अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम C++ में लेसन नंबर 58 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के इस लेसन में हम एक प्रोग्राम डिजाइन करेंगे जो कि मल्टीपल पैरामीटर से रिलेटेड होगा। कहते हैं क्रिएट फंक्शन दैट यूज मल्टीपल पैरामीटर, मल्टीपल पैरामीटर से रिलेटेड आपने एक फंक्शन ड्रॉ करना है। ओके, तो फंक्शन बनाने के लिए मैं यहाँ पे कोड ब्लॉक ओपन करता हूँ। पहले से यहाँ पे कुछ बना हुआ, इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। इंट मेन है, यहां से स्टार्ट करते हैं जी, सबसे ऊपर से। तो फंक्शन के लिए सबसे पहले आपने यहां पे ऊपर जो आपका होता है, यहां पे मैं लेता हूं जी इंट लेता हूं, ऐड नंबर से रिलेटेड मैंने एक फंक्शन लिया और इंट एक्स एक वैल्यू देता हूं उसको मैं और इंट वाई वैल्यू देता हूं उसको मैं। दो वैल्यू मैंने दे दी। कर्ली ब्रेसेस को ऑन करता हूं और यहां पे टाइप करता हूं यहां पे int answer equal to, जो आंसर आएगा वो क्या होगा, x plus y आंसर जो होगा मेरे पास आएगा और रिटर्न आंसर को रिटर्न करने वाले। ओके, यहां पे से नीचे जो मैंने करना है int main है, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहां पे क्या है जी सी आउट है और सी आउट में क्या होगा जी एट, सॉरी इसको आपने जोड़ के लिखना है बल्कि यहां पे एट नंबर, कौन कौन से नंबर जी 43 कामा फॉर एग्जांपल 86। देखता हूँ प्रोग्राम बनाए कि नहीं। रिटर्न आंसर बाद यहाँ पे रिटर्न, जीरो। एक्स प्लस वाई सी आउट एड नंबर, अब देखें प्रोग्राम की मैंने बनाया। इस प्रोग्राम में मैंने एक इंटीजर लिया ऐड नंबर से रिलेटेड, ऐड नंबर में मैंने दो इंटीजर लिए एक int x सॉरी int x एंड int y, दो नंबर लिए मैंने। अब मैं कहता हूं कि मेरे पास int answer, जब मेरे पास आंसर आए तो वो क्या हो जी x plus y, x plus y जब ऐड हो तो मेरे पास वो आंसर आए और रिटर्न आंसर आए। उसके बाद मैं कहता हूं जी int main है मेरे पास, int main में क्या है, अब जो चीज मैंने डिस्प्ले करवानी है वो यहां पे ऐड नंबर, ऐड नंबर मेरे पास आ जाएगा। एड नंबर क्या है मेरे पास ये, और एड नंबर का क्या है मेरे पास 43 एंड 86। 43 मेरे पास x है और 86 जो मेरे पास है ये y है। मीन 43 प्लस 86 जब हो तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आ जाए, x प्लस y जब मैं करूँ तो मेरे पास ये आंसर आ जाए। तो इसे कहते हैं कॉलिंग फंक्शन, और यहाँ पे अगर मैं वैल्यू चेंज करूंगा तब भी आएगा। मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ, 129 मेरे पास आंसर आ गया। अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूं, मैं करता हूं 100 एंड 100, अब ए बी ए प्लस बी मेरे पास क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा आंसर 200। तो ये एक प्रोग्राम है, सिंपल सा प्रोग्राम है, फंक्शन है एक सिंपल सा जिसमें हमने कोई भी, इसके अलावा मल्टीपल आपने काफी सारे अगर आपने लेने यहाँ पे अपने मल्टीपल अगर पैरामीटर यूज करने तो आप कर सकते हैं। जैसे मैं एक्स वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड थ्री पैरामीटर फॉर एग्जाम्पल मैं यूज करता हूँ प्लस जी, अब मेरे पास एक्स वाई और जी यहाँ पे आप काम आ दें और जी भी आप लिखते हैं 200 जी है मेरे पास फॉर एग्जाम्पल, एंड एक्स है वाई है और यहाँ पे काम आ दें कौन सा एंड जी एंड जी, तीन एंड मेरे पास आ गए। अब जब मैं इसको रन करूंगा 400, क्या 400 100 प्लस 100 200 प्लस 200 400, मैंने तीन इंटीजर ले लिए। आपने जितने मर्जी यहाँ पे पैरामीटर यूज कर सकते हैं, पैरामीटर यूज करते हुए आप उनको ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखते हैं जरा, माइनस 100 करता हूँ, माइनस माइनस जी करता हूँ, 200 माइनस 0 आ जाएगा और जी की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करता हूँ 100 कर देता हूँ।
अब यहाँ पे देखते हैं जरा क्या करते हैं, ये 100 आ गया, 100 क्यों आए, x प्लस वाई 100 प्लस 100 200, 200 माइनस z, z भी 100 है, 2 माइनस 100 100 मेरे पास आ गया। तो इसी तरह आप काफी सारे पैरामीटर आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं और 100 माइनस 10 कर दें, आपकी मर्जी, आप जिस तरह यूज करें, तो इस तरह आप काफी सारे पैरामीटर यूज करते हुए अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। तो ये था जी आपका फंक्शन, इसमें हमने फंक्शन जो डिजाइन किया वो हमने एड नंबर से रिलेटेड हमने एक फंक्शन बनाया और इस फंक्शन में हमने वैल्यू दी है, 3 वैल्यू दी है, 2 दी है, 4 दी है, आपकी मर्जी, आप जितने भी इसमें इंटीजर दें, और उनको फिर हमने एक उसमें इंटरसेट में x प्लस वाई माइनस जी मैंने कर दिया, रिटर्न कर दिया। एंड पे मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास वैल्यू सामने है तो वो सी आउट में मेरे पास यहाँ पे वैल्यू सामने आ जाएगी, उसमें ए बी और सी मैंने 3 इंटीजर दे दिया और उसको मैंने यहाँ पे शो करवा दिया। तो ये जी आपका आज का लेसन, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।